सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह 14 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल में रेशमबाग आयोजित किया गया है। भूमि परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, प्रसिद्ध कलाकार मकरंद अनासपुरे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागृति को लेकर 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान को लेकर 14 फरवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर अगर युवाओं में जन जागृति होती है तो एक्सीडेंट में कुछ हद तक कमी हो सकती है। इसलिए प्रसिद्ध कलाकार मकरंद अनासपुरे भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हाँ, कार्यक्रम होणार आहे या इथे प्रामुख्याने उपस्थित माननीय सिने कलाकार मकरंद अनासपुरे हे पण राहणार आहेत आणि ज्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा संदेश युवकांपर्यंत पोहोचेल। कारण ॲक्सिडेंट्सचं प्रमाण आपण जर पाहिलं तर युवकांमध्ये युवक युवतींमध्ये जास्त आहे, तर त्यामुळे मकरंद अनासपुरे यांना पण आपण बोलवलेलं आहे। तसंच सोबत पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत साहेब राहतील, आदरणीय गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री अनिल परब साहेब, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस। रस्ता सुरक्षा अभियान जो कि एक माह तक चला गया है, इसी अभियान के तहत युवाओं और नागरिकों में जन जागृति के लिए सुरेश भट्ट सभागृह में रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, अभिनेता मकरंद अनासपुरे, पालक मंत्री नितिन राउत, पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार और अन्य मान्यवर उपस्थित रहेंगे। त्यांची जबाबदारी आहे आणि त्या जबाबदारीची पुन्हा एकदा जाणीव करून देण्याकरता ही एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। रस्ते सुरक्षा जो म्हणजे महिनाची जी कार्यक्रम आपण मागच्या मला वाटतं कधीपासून 17 जानेवारी 17 फेब्रुवारी हां 18 जानेवारी ते 17 फरवरीमधला आहे आणि ह्या दरम्यान आपण ही सगळं माननीय गडकरी साहेबांच्या अध्यक्षतेखालच्या या समितीच्याद्वारे करतो आहोत। निश्चितपणे लोकांचं तिथे जे यायचं आहे जवळपास 1100 ते लोकांची त्या ठिकाणी सिटिंग कॅपॅसिटीची व्यवस्था आपण केलेली आहे, कारण फार जास्त गर्दीसुद्धा आपल्याला तिथे येऊ नये असं आपल्याला बघावं लागणार आहे। एक माह से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता में जन जागृति लाना है ताकि हो रहे सड़क दुर्घटनाएं ना हो और सड़क दुर्घटना मुक्त भारत बनाने में मदद भी हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।